कारोबारी दुनिया से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, 100 इंडेक्स 230 पॉइंट्स इजाफे के बाद 31,840 पर पहुंच गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मस्बत आगाज, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्केट में आगाज तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। मार्केट में जो है वो तकरीबन ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड की गया था और 100 इंडेक्स जो है वो 31,840 के लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तमाम इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मंदी रिकॉर्ड जो है वो देखी जा रही है और 251 पॉइंट्स जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और जो 100 इंडेक्स है वो 31,370 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उतार चढ़ाव जो है वो स्टॉक मार्केट में जारी है। अगर हम इस तरह बात कर लें इंटर बैंक मार्केट की, तो उसमें जो डॉलर है वो 40 पैसे जो है वो महंगा हुआ है और इस वक्त जो डॉलर है वो 167 रुपए पर पहुंच गया। बहुत शुक्रिया कफील आगाह करने के लिए। कारोबारी दुनिया से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, 100 इंडेक्स 230 पॉइंट्स इजाफे के बाद 31,840 पर पहुंच गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे लाइन पर मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्केट में आगाज तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। मार्केट में जो है वो तकरीबन ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड की गया था और 100 इंडेक्स जो है वो 31,840 के लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तमाम इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मंदी रिकॉर्ड जो है वो देखी जा रही है और 251 पॉइंट्स जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और जो 100 इंडेक्स है वो 31,370 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उतार चढ़ाव जो है वो स्टॉक मार्केट में जारी है। अगर हम इस तरह बात कर लें इंटर बैंक मार्केट की, तो उसमें जो डॉलर है वो 40 पैसे जो है वो महंगा हुआ है और इस वक्त जो डॉलर है वो 167 रुपए पर पहुंच गया। बहुत शुक्रिया कफील आगाह करने के लिए। कारोबारी दुनिया से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, 100 इंडेक्स 230 पॉइंट्स इजाफे के बाद 31,840 पर पहुंच गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे लाइन पर मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्केट में आगाज तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। मार्केट में जो है वो तकरीबन ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड की गया था और 100 इंडेक्स जो है वो 31,840 के लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तमाम इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मंदी रिकॉर्ड जो है वो देखी जा रही है और 251 पॉइंट्स जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और जो 100 इंडेक्स है वो 31,370 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उतार चढ़ाव जो है वो स्टॉक मार्केट में जारी है। अगर हम इस तरह बात कर लें इंटर बैंक मार्केट की, तो उसमें जो डॉलर है वो 40 पैसे जो है वो महंगा हुआ है और इस वक्त जो डॉलर है वो 167 रुपए पर पहुंच गया। बहुत शुक्रिया कफील आगाह करने के लिए। कारोबारी दुनिया से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, 100 इंडेक्स 230 पॉइंट्स इजाफे के बाद 31,840 पर पहुंच गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मजबूत आगाज, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे लाइन पर मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, मार्केट में आगाज तो जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। मार्केट में जो है वो तकरीबन ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड की गया था और 100 इंडेक्स जो है वो 31,840 के लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तमाम इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मंदी रिकॉर्ड जो है वो देखी जा रही है और 251 पॉइंट्स जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और जो 100 इंडेक्स है वो 31,370 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उतार चढ़ाव जो है वो स्टॉक मार्केट में जारी है। अगर हम इस तरह बात कर लें इंटर बैंक मार्केट की, तो उसमें जो डॉलर है वो 40 पैसे जो है वो महंगा हुआ है और इस वक्त जो डॉलर है वो 167 रुपए पर पहुंच गया। बहुत शुक्रिया कफील आगाह करने के लिए।